किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने आप को अंदर से हारा हुआ महसूस कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। और अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, अंदर से पॉजिटिव हैं और अंदर से अपने आप को विनर महसूस करते हैं तो फिर कोई आपको नहीं हरा सकता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत चतुर और चालाक होता है। जितनी भी निगेटिव चीजें इसको मिलती हैं उन्हें बहुत तेजी के साथ कैप्चर कर लेता है और हमें 24 घंटे निगेटिविटी में धकेलने के लिए तैयार रहता है। यही हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। लाइफ के हर पायदान पर कामयाब होने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। सोचने का कार्य हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड करते हैं, यानी कि चेतन और अपचेतन मन। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम उसको जैसी कमांड देते हैं वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। होता क्या है कि हम इस दुनिया में इतने ज्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव पीपल्स के बीच में रहते हैं कि 24 आवर्स जो भी हमारे माइंड में थॉट आते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, जिसके कारण हमारी असफलता की सारी रूपरेखा हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार कर देता है। तो अगर आपको शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो अपने इस सबकॉन्शियस माइंड की गुलामी से अपने आप को आजाद करना होगा। और इसको आजाद करने के लिए आपको छोटी छोटी कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, कुछ बातें फॉलो करनी होगी। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर टोटल निगेटिव बातें करने वाले लोग हैं या निगेटिविटी छाई हुई है तो तुरंत वहां से दूर हो जाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव लोगों में रहें, क्योंकि आपके माइंड को जैसी डाइट मिलेगी वो वैसा ही काम करेगा। जैसे शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही माइंड को ऊर्जा देने के लिए पॉजिटिव थॉट्स यानी कि सकारात्मक विचारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपके दिमाग को 24 घंटे निगेटिव यानी कि नकारात्मक विचार ही मिलते रहेंगे तो क्या आप कभी सफल हो पाएंगे? कभी भी नहीं। आपके दिन की शुरुआत ही निगेटिव चीजों से होती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप टीवी के रिमोट की तरफ भागते हैं, आप न्यूज चैनल चला के देखते हैं जहां पर आपको टोटल निगेटिव खबरें मिलती है। कहीं पे कोई रेप की खबर, कहीं कोई मर्डर की खबर, कहीं बैंक रोबरी की खबर, वहां से आपकी निगेटिव दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आप न्यूज पेपर अगर उठाकर देखते हैं तो वहां पर भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो वहां से निगेटिव। उसके बाद आपको आप जिस फील्ड में वर्क करते हैं तो वहां पर आपको एक के बाद एक निगेटिव लोग मिलते चले जाते हैं और पूरे दिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निगेटिव थॉट से घिरा रहता है। तो प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। और अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां पर पॉजिटिव लोग बहुत कम है तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे किसी ऑफिस के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है और वो अंदर उन्हीं लोगों को जाने देता है जिनकी अंदर से परमिशन होती है, तो ऐसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड को आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में सेट कर लीजिए। जब भी कोई थॉट, जब भी कोई विचार आए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के भीतर जाने ही मत दीजिए, उसको बाहर ही रोक दीजिए कि बस भाई अब यहां से अंदर तुम नहीं जा सकते। आपका कोई भी मित्र या कोई भी रिलेटिव कोई भी निगेटिव बात आपसे कहे तो उसको सुनिए, लेकिन उस थॉट को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के भीतर मत जाने दीजिए, उसको तुरंत वहीं रोक दीजिए कि जा ये व्यर्थ की बात है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। और अगर आप ऐसे करने लगे तो आपको एक या दो दिन तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखना धीरे धीरे वो विचार जो आपके दिमाग में निगेटिविटी भरते हैं वो बाहर ही रुकने लगेंगे, वो आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे। और जब वो प्रवेश नहीं करेंगे तो आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, आप अंदर से शांति महसूस करेंगे, आप अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे। और जिस दिन ऐसा सब कुछ आपके साथ होने लगा तो आप
कामयाबी के शिखर पर धीरे धीरे चढ़ने लगेंगे। यही हर एक सक्सेस पुरुष की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि वो निगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव कह देता है कि इस बार एग्जाम में पेपर बहुत टफ आने वाले हैं और आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, तो ये जो कमेंट्स आपको माइंड को मिली, ये तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा निगेटिव विचार है, और वो तुरंत आपके दिमाग में एक के बाद एक रिटर्न करने लगती है कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। वो सबसे ज्यादा खराब जाता है और आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको गलत कमांड गई और उसने वो कैप्चर कर लिया कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो फ्रेंड्स, शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका है कि आप इस गुलामी से आजाद हो जाइए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव विचारों को पकड़ता है उनको वहीं पर रोक दीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।